हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका 20 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो चुका है लास्ट ईयर में और आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो चुका है और आपने अभी तक कभी टेली में ई इनवॉइस इंप्लीमेंट नहीं किया, आपका बाकी है प्रोसेस और आपको पूरा प्रोसेस नहीं पता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे आप ई इनवॉइस टेली से डायरेक्ट जनरेट कर सकते हो, तो टेली में इंप्लीमेंट करने से पहले जो कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए और उसको आपको पहले स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसी के बाद आपका टेली प्राइम से इनवॉइस स्टार्ट होगा। मैंने आगे ऑलरेडी इनवॉइस के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए कि आपका इनवॉइस टेली से कैसे जनरेट होगा, उसको इनेबल कैसे करना है, उसमें एपीआई वगैरह क्रिएशन का प्रोसेस पूरा क्या है, वो सारा मैंने आगे वीडियो बनाया। बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपका अगर इनवॉइस की साइट पर अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, उसमें इनवॉइस की साइट अगर आपके ओपन नहीं हो रही है तो उसके पहले का प्रोसेस क्या होता है। इनवॉइस की साइट को लॉगिन करने के लिए आपका जो ईवेबिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उसी से लॉगिन हो जाएगा, बट बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब भी वो लॉगिन करते हैं उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन का कुछ एरर आता है, वो लॉगिन होने नहीं देता है। बट उसके पहले का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम मैंने जीएसटी की साइट पर गया, वहाँ पर मैंने ई इनवॉइस की लिंक ओपन की है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पर जाके ई इनवॉइस इनेबल करना होता है। ई इनवॉइस इनेबल करने में आपको जब ये प्रोसेस आप करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओटीपी आएगा, जो भी आपका रजिस्टर ईमेल एड्रेस का वहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको 18, 19, 20, 21 ऐसा पूरा ईयर मेंशन किया होगा, वहाँ पे आपको पर्टिकुलर कौन से ईयर में आपने 20 करोड़ क्रॉस किया है वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। वहाँ पे अगर आपका 20 या 21 करोड़ हुआ है तो वहाँ पे आपको 21 करके सबमिट कर देना होता है। जैसे आपका सबमिट हो जाता है उसके बाद ही आप यहाँ से ईवीबिल के लॉगिन से लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद का जो पूरा प्रोसेस होता है वो एपीआई क्रिएट करना होता है, जो कि हम लोग टेली यूज़र है तो जो टेली का एपीआई आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है वो हमें पूरा प्रोसेस करना होता है। उसका भी मैंने पूरा डिटेलिंग वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। टेली की साइट पे अगर जाके चेक करोगे तो वहाँ पे भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पूरा डिटेल ले सकते हो, या फिर आप टेली कस्टमर केयर में बात करोगे तो उसका एपीआई का पूरा प्रोसेस क्या है वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वे एपीआई आईडी क्रिएट होने के बाद जो प्रोसेस होता है वो हमारा टेली के अंदर होता है। तो यहाँ पे जैसे आप टेली ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको F11 में जाना होगा, यहाँ पे आपको यस करना होगा और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ईवे बिल और ई इनवॉइस। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ईवे बिल भी जनरेट कर रहे हो और आप टेली प्राइम के लिए अभी नए हो तो अभी तुरंत ईवे बिल आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि ईवे बिल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसके वजह से आपको बार बार एरर आएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो टेम्प्ररी आप अभी ई इनवॉइस इंप्लीमेंट करें और आप चाहते हो कि ईवी बिल भी इनेबल करना चाहते हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑलरेडी ईवी बिल के ऊपर भी इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसमें क्या क्या एरर आती है, उस सारे चीज़ के ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी आप देख करके ईवी बिल भी एक साथ में यूज़ कर सकते हो। आपका इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा और उसी के साथ में ईवी बिल भी जनरेट हो जाएगा, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अभी ईवी बिल डायरेक्ट आपको इनेबल करना है कि नहीं करना है, या फिर आपको अभी टेम्पररी ई इनवॉइस इनेबल करना है। तो ई इनवॉइस में यहाँ पर आपको यस करना होता है और आपको यहाँ पर जो भी डेट से आप एप्लीकेबल कर रहे हो वो देना होता है और कौन सा सिटी, जैसे मेरा कंपनी वापी में है तो मैं वापी मेंशन करूँगा, जो भी सिटी है वो आपको यहाँ पे बिल फ्रॉम प्लेस लिखना है और इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। और जैसे ही आप ये सेटअप कर दोगे तो उसके बाद जब भी आप बिल जनरेट करोगे तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपको ई इनवॉइस का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद जैसे ही आप इनवॉइस जनरेट करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको यस करना होता है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको सिटी का नाम लिखना होता है कि जहाँ जिनको आप बिल कर रहे हो उनका सिटी का नाम क्या है और जहाँ पे मटेरियल डिलीवर हो रहा है वो सिटी का नाम है। दो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करके एंटर करना होता है, बट इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपका HSN टेली इनवॉइस में गलत नहीं होना चाहिए, पिन कोड नंबर है वो टेली पार्टी लेजर में गलत नहीं होना चाहिए, GST कैलकुलेशन में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे कोई भी एरर होगा तो आपका इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, और अगर आपका इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा है, आप जब जनरेट करने जा रहे हो और मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन का कोई एरर दे रहा है तो आपको गो टू में जाके आपको इनवॉइस की रिपोर्ट में आपको मिसमैच है या कुछ जो कोई भी एरर है वो आपको दिखा देगा। और अगर इनवॉइस की साइड से अगर कोई रिजेक्ट होता है तो उसका भी डिटेल आपको इसी स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे मिल जाएगा कि यहाँ पे किस रीजन के वजह से वो रिजेक्ट हुआ है। और मिसमैच एरर आपको देखने के लिए क्या करना है, गो टू में जाना है, ई इनवॉइस में जाना है और यहाँ पर आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में भी दिखाएगा कितने जनरेट हो चुके हैं, कैंसिल है, ये सारे का सारे रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एरर है उस एरर को देखना है, उस एरर को रिजोल्व करना है और उसके बाद वापस आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा एक प्रोसेस है,
इसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने। बाकी टेली कस्टमर केयर भी है, तो आप टेली कस्टमर केयर में भी बात करेंगे तो वहाँ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप पेड सपोर्ट चाहते हो तो आप हमारा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों इसरो मेहनत ने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं इसरो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।